हेलो दोस्तों, ये अपनी ENT सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे लैरिंक्स जो इन्फेक्शन है ना, डिजीज़ है उसको। हमने लैरिंक्स डिजीज़ को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपकी पीडियाट्रिक लैरिंक्स लैरिंजियल इन्फेक्शन, एक आपका स्कूल एज चिल्ड्रन की इन्फेक्शन, एक आपका एडल्ट लाइफ। ठीक है, जो न्यूनेट होते हैं, पेडियाट्रिक लेरिंजियल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें इडिमा ऑफ लेरिंग्स है ना, वो एयर वे इमरजेंसी की कंडीशन होता है। मेनली इसमें दो टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, एक आपका एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक आपका एक्यूट लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। ये इन्फेक्शन को इसके ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस सबसे ज़्यादा कोच करता है, उसके बाद HIV वायरस। उसके बाद एज मोस्ट कॉमन एज होती है 2 to 7 ईयर। ये आपका एज होती है 3 मंथ टू 3 ईयर। ये आपका इन्फेक्शन होता है कंप्लीट एयर वे का। सबसे मोस्ट कॉमन एरिया इफेक्टेड होता है सेबग्लोटिस। इसमें इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है ना, पेशेंट सीट बेंडिंग फॉरवर्ड, इसी को साइन को बोलते हैं ट्राइपोड साइन। एक्सरे के अंदर क्या दिखता है, थंब साइन दिखता है। और जो आपका रेस्पिरेटरी या एयरवे को मेंटेन करने के लिए आप हम इंट्यूबेशन करते हैं या ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। जो आपका एक्यूट लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस है, उसमें एक्सरे में आपका स्टिपल साइन दिखता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किए नियोनेट के। उसके बाद आता है जुवेनाइल पैपिलोमा ऑफ लैरिंग्स, स्कूल एज चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है ये। इसमें ये इसका कॉमन कोज होता है HPV 6 and 11 वायरस। 11 वायरस होता है वो मोस्ट वीरुलेंट होता है। रिकरेंस इज वेरी कॉमन आपका जुवेनाइल पैपिलोमा वायरस है, रिकरेंस बहुत कॉमन होता है इसमें। इसी कारण इसको अभी प्रेजेंट में RRP भी कहा जाता है। RRP का मतलब है रिकरेंट रिस्पायरेटरी पेपिलोमेटोसिस। ठीक है, आपका कुछ टर्म है इसमें, टर्म आप पता होना चाहिए। एक होता है मोगेफोनिया, स्पीच प्रॉब्लम इन पब्लिक। एक होता है स्पाजमोडिक डिस्फोनिया, वस्कुलर मसल गो इंटू स्पाजम इंटरमीडिएटली। फंक्शनल एफोनिया मतलब पेशेंट प्रिटेंड करता है नॉर्मल, बट उसकी वॉइस है ना वो नॉर्मल रहती है। हाइपरनेजलिटी में आपको हाइपरनेजलिटी का दूसरा नाम होता है राइनोलेलिया एपर्टा, मतलब नॉर्मली ये मछली नीचे होती है, यदि ऊपर चला जाता है ना तो जो नाक के हेल्प से वर्ड यूज किए जाते हैं वो आपका ज़्यादा यूज होने लगते हैं हाइपर में, और हाइपो में बिल्कुल यूज नहीं हो पाएंगे। उसी को राइनोलेलिया क्लोज कहा जाता है, क्लोज नोज। उसके बाद आपका आता है एडल्ट लाइफ इन्फेक्शन। एडल्ट लाइफ इन्फेक्शन दो है, एक आपका टीबी ऑफ लैरिंग्स, एक आपका ल्यूपस लैरिंग्स। टीबी ऑफ लैरिंग्स होता है सेकेंडरी टू पल्मोनरी टीबी, और जो ल्यूपस लैरिंग्स है उसके अंदर पल्मोनरी टीबी नहीं होता है। ये पेनफुल कंडीशन होती है, पेनलेस कंडीशन होती है। ये मोस्टली पोस्टल पार्ट ऑफ लैरिंग्स में होती है, ये तुम्हारे इंटीरियर पार्ट में होती है। हमने तीन इन्फेक्शन देखे, स्कूल एज चिल्ड्रन, एडल्ट लाइफ और न्यूनेट के, पेडियाट्रिक एज के। उसके बाद आता है आपका कैंसर ऑफ लैरिंग्स। कैंसर ऑफ लैरिंग्स में मोस्ट कॉमन इन किस मेनली ज़्यादा मोर कॉमन मेल में होता है, और कौन सी एज में, 40 to 60 ईयर में। तीन टाइप के, ग्लोटिक, सुपरा ग्लोटिक और सब ग्लोटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग। ट्यूमर स्टेजिंग आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। T1, T2, T3 इस तरह हम डिवाइड करते हैं, N1, N1, M1, M1, N0, N1, ये स्टेजिंग के रूल होते हैं। पर जो आपका ट्रीटमेंट है वो स्टेजिंग के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। T1 है, T1 में रेडियोथेरेपी दी जाती है। T2 में मेनली रेडियोथेरेपी प्रीफर की जाती है पार्शियल लैरिंजियोटॉमी से।
वो T3 T4 में टोटल लैरिंगोटोमी की जाती है। उसके अलावा आपका जो ट्रीटमेंट है मेनली कौन से यूज़ किए जाते हैं, एक ट्रेकियोटोमी ट्रेकियोस्टोमी यूज़ किया जाता है, इंट्यूबेशन यूज़ किया जाता है। आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए जिसमें इंट्यूबेशन है वो उससे ज़्यादा ट्रेकियोस्टोमी ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। 7 कंडीशन है राइट गम्स क्यों आता है। ट्रेकियोस्टोमी की साइट ये आपको ये बताना चाहिए, टेम्प्रेरी प्रोसीडर होता है। एक ही कंडीशन होती है जिसमें परमानेंट प्रोसीडर होता है, कौन सी कंडीशन में, आफ्टर टोटल लैरिंगोटोमी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रेकियोस्टोमी है उसमें कौन सी मेटालिक ट्यूब यूज़ करते हैं, कौन सी PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड ट्यूब यूज़ करते हैं, और जो वोकल रिहेबिलेशन आफ्टर लैरिंगोटोमी किस किसे कर सकते हैं, इसोफेजियल वॉइस, आर्टिफिशियल लैरिंग्स, TEP डिवाइस के एग्जांपल बताना चाहिए, ब्लोम सिंगर, पेंजे, प्रोवोक्स, डकविल, और आपका लास्ट है मेथड टू एग्जामिन लैरिंग्स। OPD प्रोसीडर कौन से हैं और OT प्रोसीडर कौन से है। डायरेक्ट MCQ आता है, इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी, फाइब्रोटिक लैरिंगोस्कोपी, 90° रिजिड टेलीस्कोपी ऑफ लैरिंग्स, वीडियो स्टीओस्कोपी ऑफ लैरिंग्स एंड डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी तुम्हारा OT प्रोसीडर है। दोस्तों हमने इन्फेक्शन देखे इस वीडियो में, ट्रीटमेंट देखा, कौन से प्रोसीडर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो थैंक यू।